करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन की। सदी के सबसे बड़े इन्वेंटर रहे हैं ये। 1093 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1093 पेटेंट्स हैं इनके पास। और क्या बताऊं इनके बारे में, थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो इनको ये सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट रहे हैं पूरी दुनिया में। भले ही लोगों ने आइंस्टीन का नाम, कहीं कहीं ऐसा हम देखते हैं कि लोगों ने आइंस्टीन का नाम नहीं सुना है, लेकिन एडिसन का नाम उन्होंने जरूर सुना है, क्योंकि एडिसन के जो इन्वेंशन थे वो पूरी दुनिया में आज यूज होते हैं। बल्ब मतलब एडिसन, आपको पता ही है, जहां बल्ब देखा एडिसन ने ये इन्वेंट किया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन बहुत पॉपुलर रहे हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। अक्सर ऐसा देखा नहीं गया है, जो साइंटिस्ट वो जीनियस होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन दोनों थे। और इनकी जो टेस्ला से लड़ाई है वो तो जग जाहिर है, एसी वर्सेस डीसी वॉर ऑफ करंट्स जिसको नाम दिया गया, बात करेंगे हम उसकी। वैसे मैंने दोस्तों बहुत सारे बायोग्राफीज साइंटिस्ट की रिव्यू की हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी रिव्यूड है, टेस्ला की बायोग्राफी रिव्यू की है, फिर भारत के राम अनुजम की बायोग्राफी रिव्यू की है, न्यूटन की बायोग्राफी अवेलेबल है, कॉपरनिकस की हाल ही में मैंने बायोग्राफी अभी रिव्यू की थी, केपलर की बायोग्राफी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, तो मुझे भी नहीं याद है मैंने कितनी सारी, माइकल फेराडे की बायोग्राफी अवेलेबल है, कितनी साइंटिस्ट की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, बहुत सारी हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करने वाले हैं। इनकी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, अगर आप देखें तो आज भी हमारे स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर होता है थॉमस एल्वा एडिसन का, क्योंकि इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। तो आज हम इनकी कहानी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिर को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। थॉमस एडिसन का जन्म जो है वो 11 फरवरी 1847 में हुआ था, भारत जब आजाद हुआ उससे 100 साल पहले, ठीक है, इनफैक्ट 100 साल पहले। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मिलान ओहियो में इनका जन्म हुआ। 7 बच्चे थे इनके माता पिता के, सैमुअल एडिसन और नैन्सी एडिसन इनके माता पिता थे। पिताजी का नाम सैमुअल, माता जी का नाम नैन्सी, सबसे यंग थे तो काफी इनको प्यार मिलता था, ठीक है, बड़े दुलारे थे, माँ बाप के बहुत ज्यादा दुलारे थे। इनके पिताजी जो थे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और जो मदर जो इनकी माता जी थी वो एक स्कूल टीचर थी। आपको बताना चाहूंगा कि अजीब और गरीब बच्चे थे एडिसन। नन्हे एडिसन की बात करें तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बड़ी जानने की इनको इच्छा रहती थी। स्कूल से इनको बाहर निकाल दिया गया था, तो जो इनकी इनिशियल एजुकेशन है इनकी माता जी ने उसका जिम्मा उठाया कि मैं एडिसन को पढ़ाऊंगी। होता क्या था कि इनको बड़ा शौक था जानने का और बहुत सवाल पूछते थे। तो काफी ऐसे कहानियां बहुत सारी है, चलिए कुछ हम एक दो कहानी की बात कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठते हुए देखा। अब इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो बोलती है कि बेटा वो एक्चुअली क्या है कि वो गर्मी होती है और उसकी वजह से जो होते हैं चूजे बाहर आते हैं। तो इनको लगा कि मैं भी ये कर सकता हूं, तो ये अंडे पे बैठ गए, मैं भी चूजे निकालूंगा अंडे में से। चूजे तो नहीं निकले, इनकी पैंट गंदी हो गई, छोटे से थे। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में थे ये, तो स्कूल में बड़ा सवाल पूछते थे, तो इनकी जो टीचर थी वो परेशान हो जाती थी। इनकी टीचर इनको मंद बुद्धि कहती थी, इसको अकल नहीं है, ये बहुत ही बेवकूफ है, ठीक है। तो एक बार इन्होंने अपने टीचर से ये पूछा कि ऐसा है कि जो चिड़िया है वो उड़ती रहती हैं, जो पंछी है चिड़िया है वो उड़ती रहती है, कीड़े मकौड़े खाते हैं, तो क्या हम भी कीड़े मकौड़े खा के उड़ सकते हैं? तो इनकी टीचर ने बोला शायद ये पागल हो गया है, जवाब नहीं दिया। सोचते रहे एडिसन इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सारे कीड़े मकौड़े इकट्ठा किए, उसका घोल बनाया, पानी में डाला और अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, उसने पी लिया। उसने और कन्विंस किया एडिसन ने, बिजनेस माइंड देखिए, छोटे थे, कन्विंस किया कि तुम इसको पी लो तो उड़ जाओगे, देखो चिड़िया उड़ जाती है कीड़े मकोड़े खाने से, तुम भी उड़ जाओगे। वो उड़ा नहीं, वो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। बड़ी पिटाई हुई यहाँ पे एडिसन की, हम देखते हैं काफी डांट डपट पड़ी, बहुत मारा। उसके बाद एडिसन जब बहुत ज्यादा सवाल करने लगे तो स्कूल वालों ने फिर ये बोला कि ये ऐसे तो चल नहीं पाएगा, तो वापस इसको घर भेज दिया। इनकी माता जी स्कूल में बात करने जाती, मंद बुद्धि एडिसन और ऐसे नहीं चल पाएगा। एक बार क्या हुआ कि एडिसन घर आए वापस और उनके पास एक खत था, एक कहानी है, ये खत था और लेटर था, वो टीचर का था। तो जब इनकी माता जी ने उस लेटर को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन नन्हे थे, छोटे थे एडिसन, एडिसन ने बोला कि इसमें क्या लिखा है मम्मी, मुझे भी बताओ। तो उन्होंने बोला कि अब वो स्कूल में तुमको नहीं दाखिला, मतलब तुम नहीं जा सकते स्कूल, क्योंकि तुम इतने ज्यादा जीनियस हो, वो तुमको झेल नहीं सकते, तुम्हारा माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्चुअली में उसमें ये लिखा था कि ये कन्फ्यूज्ड चाइल्ड है, इसको कुछ नहीं आता।
इतना बेवकूफ है, इतना डम है कि हम इसको अपने स्कूल में रख ही नहीं सकते। और यहां पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक जीनियस मदर का जन्म हुआ जिसने एक जीनियस इंसान को बनाया। परिवार का रोल यहां पे बहुत ज्यादा अहम होता है। टीचर्स एडिसन के टैलेंट को पहचानने में नाकामयाब रहे, सोसाइटी एडिसन के टैलेंट को पहचानने में नाकामयाब रहे। एडिसन जहां पे भी जाते थे अजीब वो गरीब थे, एक तो मतलब ऐसे अपने में बात करते हुए जाते थे, ठीक है, तो सब इसको पागल समझते थे कि पागल लड़का है। तो यहां पे इनकी माता जी को पता था, इनकी मदर को पता था कि एडिसन कितना बड़ा जीनियस है। और शुरुआती पढ़ाई जो है ना वो इनकी माता जी ने करवाई, मदर ने करवाई। 12 साल तक इनकी मदर ने एडिसन को खुद पढ़ाया। और उसके बाद एडिसन इतनी ज्यादा पढ़ने लगा, थॉमस एडिसन के पिताजी जो थे वो कहते थे, वो रिश्वत देते थे बेसिकली। और ये बहुत ही बढ़िया, पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक आइडिया निकाला था। वो पैसे देते थे एडिसन को कि ऐसा है कि तुम जाके एक किताब पढ़ो तो मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, एक किताब खत्म करोगे मैं इतने पैसे, दूसरी किताब तो इतने पैसे। तो एडिसन बड़ा खुश होते थे, किताब खत्म करके आते थे और पैसे लेते थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट शुरू से इनका डेवलप हो गया था। घर के नीचे बेसमेंट था, वहां पे छोटी सी लैब बना ली थी इन्होंने। और इनकी माता जी पूरा, इनकी मदर इनको सपोर्ट करती थी, बेटा कि जो करना है करो, ये आसमान तुम्हारा है, तुमको जो करना है करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अंजाम ये हुआ, इसका रिजल्ट ये आया कि एडिसन ने इतना ज्यादा पढ़ लिया, 14 साल में ही भैया अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल ली उन्होंने। 12 साल के थे एडिसन, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे न्यूज़पेपर सेल करने हैं, आप मुझे न्यूज़पेपर सेल करने दीजिए। और कुछ समय बाद इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी खोली। तो न्यूज़पेपर, यहाँ पे एडिसन का न्यूज़पेपर निकलता था जिसको ग्रैंड ट्रंक हेरॉल्ड बोला जाता था। इसमें बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता था, इसमें गॉसिप्स होती थी, इसमें बिजनेस के बारे में होता था, और ये सब एडिसन खुद ही सर्च करते थे, ठीक है। इंटरनेशनल यूज होती थी, बिजनेस फैक्ट्स होते थे, क्योंकि 12 साल तक इन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया था। ये घर में रहकर सिर्फ पढ़ते ही रहते थे, और जो भी डाउट होता था अपनी माता जी से पूछते थे, मदर से पूछते थे, वो बताती थी। तो ये चीज होती थी। तो अब ये क्या करते थे, अब भैया पैसे तो थे नहीं इनके पास, प्रिंटिंग प्रेस तो खोल ली लेकिन उसका पैसा ऐसा सब खुद ही भरना है ना, तो इतना आसान तो था नहीं सब कुछ चलाना है। लेकिन बिजनेस इतनी कम उम्र में इनको समझ में आ गया था। तो ये क्या करते थे, ये जो पेपर था, जो पेपर प्रिंट होके आता था, ये ट्रेन्स में बेचते थे, ठीक है ना, ये ट्रेन्स में बेचते थे, ठीक है, ट्रंक रेल रोड लाइन, रेल रोड लाइन, ग्रैंड ट्रंक रेल रोड लाइन, वहां पे जो ट्रेन चलती थी, अंदर जाके ये पेपर्स बेचते थे। और इनके पेपर्स को बहुत पसंद किया जाने लगा, साथ ही साथ कैंडी भी बेचते थे, चॉकलेट्स भी बेचते थे ये। तो लोग इन कैंडीज भी लेते थे, पेपर्स भी लेते थे, और थॉमस एडिसन को ये काम बड़ा अच्छा लगने लगा। अब बहुत बढ़िया हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ, देखिए थॉमस एडिसन को हमेशा से एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो रेलवे की एक कैरेज, एक बोगी में उन्होंने अपनी छोटी सी लेबोरेटरी जो है वो एस्टैब्लिश कर ली थी, वो केमिकल लेबोरेटरी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो लेड एसिड बैटरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और 16 साल के थे ये, ठीक है, 4 साल तक ये पेपर बेच रहे हैं, कैंडीज बेच रहे। लेकिन एक बार ये लेड, मतलब जो लेड बैटरी होती है, अब आपको पता ही है कि जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती है ना उसमें एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला जाता है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, खैर छोड़िए, अच्छा उसको अभी हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये फेल हो गया, एकदम से ब्लास्ट हो गया, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नीचे गिर गया। जब कंडक्टर आया, कंडक्टर ने खींच के तमाचा दिया राइट हेड पे बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और, एडिसन बहरे थे, ऐसा बोला जाता है कि एडिसन को बचपन में स्कारलेट फीवर हुआ था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से नहीं लेकिन पार्शियल डेफनेस हो गई थी, सुन पाते थे लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सुन पाते थे। हालांकि बाद में यह बोला गया कि एडिसन इसलिए बहरे हुए क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना, ये जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फिर कंडक्टर ने आके मारा एडिसन को, उसकी वजह से ये बहरे हो गए, ठीक है। तो एडिसन को पार्शियल डेफनेस थी, सुन पाते थे लेकिन बहुत अच्छे से सुन नहीं पाते थे। हालांकि एडिसन ने इसको अपनी ताकत बताया, उन्होंने बोला अच्छा है मैं सुन नहीं पाता हूं क्योंकि जो मेरा फोकस था वो मेरे काम पे ही रहता था, इधर उधर की बातें सुनता नहीं था, सुनाई देता नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करता था, बहुत बढ़िया होता था मेरे लिए, तो मजा आती थी मुझे। तो ये चीज 16 साल में एडिसन को बाहर निकाल दिया कि तुम निकल जाओ, पहली बात तो मुझसे बिना पूछे तुमने यहां पे इतनी बड़ी लैब जो है वो एस्टैब्लिश कर ली, उसके बाद तुमने धमाका कर दिया, मुझे पागल समझ के रखा, कंडक्टर ने इनको बाहर निकाल दिया, निकलो।
अब यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। यहां से एडिसन की नई जर्नी शुरू होती है, ठीक है ना। अब हम यह देखते हैं कि सबसे पहले तो एडिसन ने टेलीग्राफ सीखा, टेलीग्राफ को ऑपरेट कैसे करना है वो सीखा। 1864 में ये टेलीग्राफ ऑपरेटर हो गया। अब इसकी भी एक कहानी है दोस्तों। एक्चुअली क्या था कि एक लड़का था, उसका नाम था जेमी मैकेंजी। वो ट्रेन के नीचे आते आते बचा, ट्रेन आ रही थी, वो पटरी के बीच में खड़ा था, 3 साल का था वो। एडिसन ने देख लिया, वो दौड़ते हुए गए और उसको बचा के वापस लिया, मौत के मुंह से वापस लिया। उनके पिताजी इतने ज्यादा खुश हो गए एडिसन से, क्योंकि उनके पिताजी एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करते थे। पहले टेलीफोन्स नहीं होते थे तो टेलीग्राफ से ही काम किया जाता था, यहां से कोड्स भेजे जाते थे, कोडिंग में बात होती थी, बड़ी बड़ी लंबी लाइंस होती थी। भारत में भी उस समय टेलीग्राफ आ गया था ना, इसी समय, ठीक है ना। ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में डेवलप हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज ऑफ स्टीम इंजन, स्पेशली जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो ये पूरा रेवोल्यूशन आ गया 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है। वहीं से इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया, कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। कॉलोनाइजेशन का ब्रिटिश और यूरोप में, यूरोप की कंट्रीज ने जो उपनिवेशवाद किया, पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया, उसकी जड़ में क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम देखते हैं कि एडिसन ने उसको बचाया। तो पहले टेलीग्राफ लाइंस होती थी, ठीक है, बड़ी बड़ी लाइंस, और यहां पे ऐसे कोडिंग, एक मशीन होती थी छोटी सी, ठीक है, उसमें ऐसे टैप करके ऐसे कोड भेजे जाते थे, मॉर्स कोड होते थे, और उसको डीकोड किया जाता था, ठीक है। दूसरी जगह पे, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, और अगर इस समय टेलीफोन नहीं और आप मुंबई में है, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे ऐसे टैप करूंगा, ठीक है, और ये मॉर्स कोड में बात होती है, आप तक पहुंचेंगे ये सारे कोड्स, और आप उसको डिकोड करके उसको ट्रांसलेट करेंगे कि ये कहना चाह रहे हैं। तो ये टेलीग्राफ, अब इसको ऑपरेट करने के लिए बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत थी। तो जिस लड़के को थॉमस एडिसन ने बचाया, उनके पिताजी तो कंपनी में, टेलीग्राफ कंपनी में काम करते थे, तब इतने खुश हो गए एडिसन से कि तुमने मेरे बेटे को बचाया, मैं तुमको इनाम दूंगा, और इनाम ये होगा कि टेलीग्राफ कैसे काम करता है वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है ना। तब उन्होंने टेलीग्राफ में काम करना सिखाया कि किस तरीके से टेलीग्राफ के साथ काम किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन में फिर काम करने लगे थॉमस एडिसन, ठीक है ना। इसी दौरान ये लुइसविल केंटकी भी शिफ्ट हो गए, एसोसिएटेड प्रेस से भी काम करने लगे, उनके साथ भी काम करने लगे। इनकी बेसिकली जो शिफ्ट थी ना, वो नाइट शिफ्ट थी, ठीक है, रात को काम करना ज्यादा पसंद करते थे, और जो डे शिफ्ट थी उसमें ये एक्सपेरिमेंट करते थे। मतलब होता यह था कि बेसिकली जो भी खाली टाइम मिलता था एडिसन को, वो एक्सपेरिमेंट करते, वो लैब में काम करते, यानी कि एक मिनट उनको रेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते थे, वो बस काम ही करते रहते थे। बहुत कुछ सीखा, टेलीग्राफ कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीखा, उसकी टेक्नोलॉजी को सीखा। उसके बाद पैरेलली इनके एक्सपेरिमेंट भी जारी थे, ठीक है। अब टेलीग्राफ की जब इन्होंने टेक्निक देखी, ठीक है, तो वो टेक्निक इन्होंने अप्लाई की जब इन्होंने अपना पहला इन्वेंशन किया, 1 जून 1869 पहला पेटेंट। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर बनाया, हालांकि ये फेल हो गया। जब ये गए और डेमोंस्ट्रेट किया पॉलिटिशियंस को कि ये देखिए, अब से जो वोटिंग होगी उसका रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं, ये आसानी से, हमको हाथ की जरूरत नहीं है, एक मशीन अब रिकॉर्ड रखेगी। यहां पे पॉलिटिशियंस ने मना कर दिया कि हम ये मशीन नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो पहला जो पेटेंट था, पहला जो इन्वेंशन था एडिसन का, वो फेल हुआ। हालांकि इस दौरान लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। थॉमस एडिसन की सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी चीज इन्वेंट करने से पहले ये कम से कम 500-600 बार फेल होते थे शुरू में। और इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब को मॉडिफाई किया, इन्वेंशन करना तो इन्वेंशन वैसे हम बोल सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई थोड़ा ज्यादा अच्छा यूज होगा वर्ड का, मतलब ये मॉडिफाई वर्ड ज्यादा सही होगा। तो यहां पे जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप 1000 बार फेल हुए, इतनी बार फेल हुए, इतने एक्सपेरिमेंट, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा, या आपको कभी ऐसा मन नहीं किया कि आप ये छोड़ दें, ठीक है, जो आप कर रहे हैं काम? उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता चल गए थे जिससे मुझे यह पता था कि इन तरीकों को आजमा के तो इन्वेंशन नहीं होगा, ये तरीके काम नहीं करने वाले। तो मुझे ऐसे तरीके, ऐसे 1000 तरीके
ये होती है पॉजिटिविटी। हर चीज में, फेलियर में भी अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढ लिए तो आपको फिर सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये चीज है। टेलीग्राफ सीख लिया, वेस्टर्न यूनियन कंपनी में काम करने लगे ये, ठीक है ना। बॉस्टन शिफ्ट हो गए और बॉस्टन में उस समय बहुत सारी इन्वेंशन होती थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। पहला इन्वेंट जो इन्वेंशन था वो तो फेल हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने एक यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, इसको जो है वो डेवलप कर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा इन्वेंशन था, फोनोग्राफ, ठीक है, जिसको हम ड्रामा फोन भी कहते हैं, ठीक है, वो जब इन्वेंट किया तो वो एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। साउंड प्रोड्यूस हो रहा था यहां पे, एक मशीन हम देख रहे हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, आवाज प्रोड्यूस कर रही है। तो ये बहुत बढ़िया चीज थी। उसके बाद इन्होंने ये जो इन्वेंट किया था स्टॉक प्रिंटर, इसके इनको अच्छे खासे पैसे मिले, ठीक है ना, बहुत $40,000 मिले और इन्होंने ये बेच दिया। और यहां पे जो $40,000 मिले, इनको ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बनाया है वो शायद $2,000-3,000 का बिकेगा, इतना महंगा नहीं बिकेगा। लेकिन जब $40,000 में बिका तो ये खुद भी सरप्राइज हो गए थे कि क्या बात है, मुझे इसके इतने सारे पैसे मिल गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने एक न्यू जर्सी में अपनी लैब बना ली, खुद की लेबोरेटरी बना ली, मशीन्स लगाई वहां पे, लोगों को रखा। डेफिनेटली इसमें काफी लोगों ने मदद की थी, कि इनके फ्रेंड थे पोप, उन्होंने मदद की थी। वो भैया पोप, वो इटली वाले पोप नहीं, ठीक है ना, दूसरे पोप, मतलब इनके दोस्त पोप, सरनेम था पोप, तो उन्होंने मदद की एडिसन की इन सब में, लेबोरेटरी लगाने में मदद की। यहां पे बहुत सारी पार्टनरशिप डेवलप होना शुरू हो गई। वेस्टर्न यूनियन के लिए फिर इन्होंने क्वाड्रुप्लेक्स जो है वो तैयार किया। ये क्या था, टेलीग्राफ। देखिए एक्चुअली होता क्या था कि टेलीग्राफ का जो यूज था वो पहले सिंगल था, ठीक है, मतलब वो मल्टीप्लेक्स नहीं था। ऐसा था कि जैसे एक बार ये लाइन है, ठीक है, यहां पे आप है, यहां पे आप है, एक बार आप मैसेज भेजेंगे। अब जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो ये इंसान मैसेज नहीं भेज सकता, ये लाइन खाली आपके लिए खाली है, समझ रहे ना, जैसे रेलवे की सिंगल लाइन होती है ना, कि एक टाइम में एक ही बार ट्रेन जा सकती है, समझ रहे हैं, तो वैसे ही था पहले, ठीक है। बाद में ड्यूप्लेक्स और भैया एडिसन ने तो इसको क्वाड्रुप्लेक्स कर दिया, मतलब एक बार में चार बार मैसेज जा सकते हैं। जैसे आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं, आप मैसेज भेजा, उसी टाइम ये भी आपको मैसेज भेज देगा टेलीग्राफ पे, ऐसे ही करके दो और मैसेज, यानी कि एक साथ चार मैसेज भेजे जा सकते हैं। तो ये जब एडिसन ने डिवाइस किया, ये क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ बनाया, वेस्टर्न यूनियन ने हाथों हाथ लिया, ढेर सारे पैसे दिए, हमारा है ये, क्योंकि इससे काम बड़ा आसान हो गया ना, बहुत जल्दी से फटाक से जिस काम में पूरा दिन चला जाता था अब उस काम में 2-3 घंटे लगने हैं, थैंक्स टू एडिसन। एडिसन को और ज्यादा पैसे मिले, और जब इतने ज्यादा पैसे मिले एडिसन ने अपनी नई कंपनी खोली और इन्होंने अपने इस वेंचर को और ज्यादा फैला दिया। लेकिन एडिसन का असली प्यार तो इलेक्ट्रिसिटी था, जी हाँ, एडिसन को तो बिजली बनानी थी और उन्होंने बिजली बनाई। बहुत टाइम से इनकी आंख तो थी कि किस तरीके से हम बिजली को पैदा कर पाए, हम पूरी दुनिया को रोशन कर पाए। उस समय इलेक्ट्रिक लैंप थे लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम थी। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम्फ्री डेवी का जो मॉडल था, ठीक है, वो मॉडल ठीक था, वो एक इंस्पिरेशन था, ठीक है, उसी मॉडल पे बेस्ड जो है एडिसन ने काम किया, और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट है, समझ रहे ना आप। यहां पे हम्फ्री डेवी आए, देखिए एक चीज तो आप मान लीजिए कि लाइट बल्ब का पूरी तरीके से इन्वेंशन एडिसन ने नहीं किया है, इससे पहले बल्ब का मॉडल ऑलरेडी आ चुका था, एडिसन के पास बस पैसा था और उसको मॉडिफाई किया एडिसन ने, ठीक है ना। तो ये चीज थी। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, एडिसन से पहले हम्फ्री डेवी, बोमेन, फार्मर स्वैन, ये सब बल्ब का मॉडल दे चुके थे। यहां तक आपको बता दूं कि एक जेम्स वुडवर्ड और इवांस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट कर लिया था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे कि हम किस तरीके से बल्ब को बनाएं, पैसे नहीं है इनके पास, पैसे चाहिए ना आपको। तो ऐसा हुआ कि इन्होंने तो बल्ब को लगभग बना ही लिया था, पैसे की कमी के कारण इन्होंने जो अपना राइट था वो बेच दिया एडिसन को, एडिसन ने खरीद लिया, ठीक है ना। तो जब एडिसन ने वुडवर्ड और इवांस का पेटेंट लाइट बल्ब पे था,
वो खरीदा, उसके बाद एडिसन ने बल्ब पे काम करना शुरू कर दिया और डिजाइन को मॉडिफाई कर दिया। उस समय बल्ब की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, करंट बहुत ज्यादा चाहिए था बल्ब को जलाने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्टेज। दूसरी चीज ये कि बल्ब एक बार जल गया तो बहुत ही कम टाइम उसका, बहुत ही कम था, वो मुश्किल से एक दो घंटा बस, फिर फुस, कुछ नहीं कर सकते आप। तो एडिसन ने सबसे पहले तो ये सोचा कि यहां पे हाई रेजिस्टेंस की जरूरत है। बहुत सारे मेटल्स पे काम किया इन्होंने, कार्बन फिलामेंट लगाया, काम बन गया इनका। तो यहां पे हम देखते हैं कि अक्टूबर 1879 को जब बल्ब का इन्वेंशन होता है, ये बल्ब 13.5 घंटे जला, समझ रहे ना, 22 अक्टूबर 1879 दूर दूर से लोग देखने आए। और इससे पहले एडिसन ने 1000 बार कोशिश की थी, तब भी वो सक्सेस नहीं हुए थे, तो परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। 1878 से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था बल्ब पे, और हाँ बहुत सारे इंजीनियर्स भी लगा रखे थे, ठीक है, और बड़े एफिशिएंट इंजीनियर्स। इसमें एक बहुत बड़े इंजीनियर जोसेफ हैमर थे, विलियम जोसेफ हैमर, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, और यहां पे एडिसन की कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तब तक एडिसन ने अपनी कंपनी भी बना ली थी जब इनको बहुत सारा पैसा मिला था। इस कंपनी का नाम था पहले तो एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी, और बाद में इसको जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बना दिया गया, ठीक है ना। इसी कंपनी में ही टेस्ला काम करने आया था, अभी हम बात करेंगे। इससे पहले, इससे एक साल पहले फोनोग्राफ को इन्वेंट कर दिया था। फोनोग्राफ को ग्रामाफोन भी बोला जाता है, ग्रामाफोन आपने देखा होगा, याद है ना, इस तरीके का बाजा होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये डिस्क होती है, ऐसे लगाई जाती है और ये घूमता है, ठीक है, और ये टेप रिकॉर्डर्स बजते हैं, म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये भी इन्होंने बना दिया, और जब इन्होंने बनाया तो भैया व्हाइट हाउस इनको बुला लिया गया था कि चलो दिखाओ तुम्हारा ग्रामोफोन कैसे काम करता है। रातों रात थॉमस एल्वा एडिसन स्टार बन गए थे। सोचिए, एक लड़के को मंद बुद्धि बोला गया, उसको गालियां दी गई, उसके बावजूद परिवार का, माताजी ने, पेरेंट्स ने टैलेंट को पहचाना और उसको एडिसन बनाया। ये सीख है उन पेरेंट्स के लिए जो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि 90% तो आने ही चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल ऐसा जमाना हो गया कि 90% नहीं आए, ऐसा नहीं है, 50% आए, चाहे बच्चा फेल हो। याद रखिएगा, किसी को भी सिर्फ नंबर से मत आकिए, ठीक है ना, उसकी असली काबिलियत को पहचानिए। क्या पता आपका बेटा, जिसको आप लोग अभी तक नाकारा समझ रहे हो, वह अगला एडिसन हो, ऐसा ही होता था। लेकिन सपोर्ट की जरूरत होती है इसमें, परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये टूट जाते हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। तारे जमीन पर जो मूवी थी वो बिल्कुल सही मूवी थी, और आज अगर आप बच्चों की हालत देखें, सेवेंथ सिक्स्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, आप उनका बैग देखिए, जितना भारी वो बैग कैरी करते हैं ना, यकीन मानिए आप 2 महीने उस बैग से एक्सरसाइज कर लीजिए, आपकी बढ़िया बॉडी बन जाएगी, इतना भारी बैग होता है उनका। और उसके बाद 90% 6th, 5th क्लास के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है। सपोर्ट करिए, याद रखिए सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि आप बच्चों को खुद पढ़ाएं, माँ बाप खुद पढ़ाएं, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इंटरैक्शन बढ़ेगा, क्या बात है, इसको जरूर सोचिएगा, ठीक है ना। तो हम एडिसन के ऊपर वापस आते हैं। तो अगर हम एडिसन की बात करें, तो यहां पे इन्होंने फोनोग्राफ, ग्रामाफोन को भी इन्वेंट कर दिया था, ये बहुत बढ़िया चीज इन्होंने करी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब भी इन्होंने डेवलप किया, और जब लाइट बल्ब किया तब तो इनको बहुत सारा पैसा मिला, और जब इनकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, पूरी दुनिया में फैलने लगी, तब इन्होंने और बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए, ठीक है ना। इन्होंने पावर सिस्टम बनाने शुरू किए, इन्होंने हेनरी फोर्ड की बायोग्राफी, 1 घंटे का सेशन है, जरूर देखिएगा, जिन्होंने कार इंट्रोड्यूस कर दी पूरी दुनिया को, मोटर गाड़ी दे दी भैया। तो हेनरी फोर्ड का जो टी फोर्ड मॉडल था, उसके लिए इन्होंने बैटरीज बनाना शुरू कर दी, यानी कि अब कार भी बैटरी से चलेंगी, सब कुछ इलेक्ट्रिक कर दिया। डायरेक्ट करंट जो एडिसन का था वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। अभी हम टेस्ला की भी बात करेंगे, टेस्ला रुके रहिए, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर टेस्ला कहां है इसमें, अभी मैं आ रहा हूं। मोशन पिक्चर जो थे वो इन्होंने बनानी शुरू की, ठीक है, एडिसन ने मोशन मूवी बनाई थी, उसमें भी पहली मोशन मूवी, चलती फिरती मूवी, पर्दे पे मूवी, वो एडिसन का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना। तो ये चीज वर्ल्ड वॉर 1 में भी
अमेरिकी सरकार ने इनसे बहुत सारा एडवाइस ली थी और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया था। सबमरीन डिटेक्टर्स थे, गन लोकेशन टेक्निक्स थी, किस तरीके से ट्रैकिंग की जाए, जिससे अमेरिकी सरकार को बड़ी मदद भी मिली थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हुई थी। बहुत समृद्ध थे एडिसन, बहुत अमीर थे, बहुत ही एफिशिएंट बिजनेसमैन थे। दो शादियां की थी इन्होंने। 18 अक्टूबर 1931 में इनका देहांत होता है डायबिटीज से, 84 साल के थे। लेकिन एडिसन हमेशा खुश रहते थे, और जब जब उनके आखिरी दिन भी थे तब भी वो बहुत खुश रहते थे। उनको पता था कि मैंने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया, और वो बोलते भी थे कि मैंने सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। मरते मरते भी उन्होंने बोला कि यहां पे सब बहुत सुंदर है। तो ये कहानी थी। अब हम आते हैं पेटेंट्स के बारे में, बात करते हैं। 1093, ये रिकॉर्ड है, 1093 इनके पास पेटेंट्स है। सब कुछ खरीद लेते थे, ठीक है ना, और उस पर काम करते थे। और पेटेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई, आपने काम किया है, ठीक है। अब टेस्ला के साथ यही हुआ था ना, टेस्ला ने पूरा रेडियो पे उन्होंने काम किया था, लेकिन उन्हीं के मॉडल को, उन्हीं की स्टाइल को मार्कोनी को ने कॉपी करके रेडियो इन्वेंट कर दिया था, ठीक है ना। तो पेटेंट बहुत जरूरी होता है। जो आप काम कर रहे हैं उसका पेटेंट ले लीजिए कि मेरा ही काम है, इस पे और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो खरीदे वो आपको पैसे दे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टेस्ला की भी एंट्री होती है। निकोलाई टेस्ला, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, निकोला टेस्ला की तो तस्वीर लगा के पूजा करनी चाहिए कि सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर टेस्ला नहीं होते तो आज हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम उसी पुराने जमाने में फंसे रहते। तो ऐसा क्या किया निकोला टेस्ला ने? अल्टरनेटिंग करंट बनाया। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू, ऑटोबायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, इनफैक्ट इनकी किताब को रिव्यू किया है निकोला टेस्ला की। तो आप देखिएगा, इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट बनाया। एडिसन का था डायरेक्ट करंट, निकोला टेस्ला अमेरिका है, बहुत कम पैसे लेके आया, बहुत बड़े जीनियस थे उस समय तक निकोला टेस्ला। पैसे नहीं थे लेकिन निकोला टेस्ला के पास दिमाग बहुत तेज था। तो निकोला टेस्ला है, एडिसन की कंपनी उस समय बहुत बड़ी थी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी, इकलौती इलेक्ट्रिक कंपनी थी जो एडिसन की थी, मतलब जो अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें। तो यहां पे एडिसन ने एक चैलेंज दिया कि उनकी उनकी फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई थी, अगर इस मशीन को कोई भी सही कर देगा, ठीक है ना, जनरेटर था बेसिकली वो, तो मैं उसको $50,000 दूंगा। निकोला टेस्ला है, देखा बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। निकोला टेस्ला ने लिया, पेचकस निकाला, आराम से 1 घंटे के अंदर मशीन चकाचक। निकोला टेस्ला ने बोला लाइए मेरे $50,000। एडिसन ने उनपे हंसे और बोला कि ये प्रैक्टिकल जोक है बच्चे, अमेरिका में वेलकम टू अमेरिका, क्या तुम इतना सा मजाक भी नहीं समझते। निकोला टेस्ला बड़े भावुक इंसान थे, उनको दिल पे लग गई, वहीं पे ही नौकरी छोड़ा है। इतनी बड़ी कंपनी, अगर निकोला टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी से अगर आप लात मार के आ गए हो तो आपको फिर कोई कंपनी जॉब भी नहीं देगी। भिखारियों जैसी कंडीशन हो गई थी निकोला टेस्ला की, पता है आपको, फैक्ट्री में काम किया। निकोला टेस्ला का जो अल्टरनेटिंग करंट था वो कमाल का था। एडिसन के करंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो डायरेक्ट करंट था वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता था, वो 1 मील से ज्यादा जा ही नहीं सकता था। लेकिन निकोला टेस्ला का जो अल्टरनेटिव करंट था वो दूर दूर तक जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी थी, इतना ज्यादा इंटेंसिटी थी कि अगर किसी भी मशीन को वो भेजेंगे तो मशीन ही डैमेज हो जाएगी, वोल्टेज इतना ज्यादा था। तो निकोला टेस्ला ने ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, स्टेप अप स्टेप डाउन। भैया जो ओरिजिनल वोल्टेज आता है, जो करंट जनरेशन बहुत तगड़ा होता है, तो ट्रांसफार्मर उसी को तो कम करता है ना, वरना तो आपके घर में जितने भी, अगर जिस तरीके से बिजली जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाए तो आपके सारे के सारे अप्लायंसेस फुक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये निकोला टेस्ला ने किया। तो निकोला टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन एडिसन और निकोला टेस्ला इन दोनों के ईगो भिड़ गए। अब एडिसन ने बोला कि मैं जीते जी तो निकोला टेस्ला को कभी सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा, बोला नहीं मतलब उनकी यही मंशा थी। तो एडिसन ने पूरी कोशिश की। हालांकि एक इसका पहलू यह भी है कि इनकी लड़ाई को बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ऐसा वैसे नहीं था, क्योंकि एडिसन की लड़ाई किसी और इंसान से थी, उनकी जो लड़ाई थी वो वॉशिंगटन से थी बेसिकली, लेकिन निकोला टेस्ला की लड़ाई एडिसन से थी। निकोला टेस्ला ने तो ये ठान लिया था, एडिसन के लिए निकोला टेस्ला इतने बड़े इंसान थे ही नहीं, क्योंकि क्या था कि वो तो अल्टरनेटिंग करंट, एक छोटे से इंसान है,
उनकी एक छोटी सी इन्वेंशन है, तो मुझे क्या दिक्कत है, ऐसे लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन निकोला टेस्ला को पता था कि मेरा अल्टरनेटिंग करंट एडिसन की कंपनी को बर्बाद कर सकता है। हालांकि उनकी कभी भी यह मंशा नहीं रही बर्बाद करने वाली, लेकिन वो चाहते थे कि उनका अल्टरनेटिंग करंट यूज हो ताकि पूरी दुनिया को बिजली मिल जाए। तो निकोला टेस्ला को पैसे ही नहीं मिले। निकोला टेस्ला ने हर जगह कोशिश की कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन निकोला टेस्ला को नहीं मिले। एडिसन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। एडिसन ने निकोला टेस्ला के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाया, ये सच में हुआ, प्रोपागेंडा चलाया कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट बेकार है। एडिसन ने इलेक्ट्रोक्यूशन स्टार्ट किया, जानवरों को, एलिफेंट्स को, हाथियों को करंट देना स्टार्ट किया, उनको मारना स्टार्ट किया, लोगों को मारा। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोक्यूशन। अमेरिका में सजा बिजली से दी जाती थी, फांसी नहीं दी जाती थी, इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता था। एडिसन का डायरेक्ट करंट था। एक बार एक अपराधी को जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तो एडिसन का करंट डायरेक्ट था, निकोला का अल्टरनेटिंग करंट था। तो यहां पे एडिसन के करंट से तो तुरंत मौत हो गई, निकोला टेस्ला के नहीं, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट था, वो तो फेज में आता है ना। तो ये चीज थी अल्टीमेटली जीत। देखिए शुरू में तो जब तक एडिसन जिंदा रहे डेफिनेटली एडिसन की जीत हुई, एडिसन के पास पैसा था। सच्चाई कब तक छुपाओगे? निकोला टेस्ला का अंत बहुत खराब हुआ, लेकिन उसके बाद निकोला टेस्ला का जो अल्टरनेटिंग करंट है, पूरी दुनिया में आज अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। तो टेस्ला को बेसिकली फादर ऑफ, हालांकि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो डेफिनेटली माइकल फैराडे हैं, लेकिन निकोला टेस्ला को मॉडर्न फादर बोला जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं किया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तो ये वॉर ऑफ करंट, हालांकि इस पर पूरा सेपरेट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हैं, इतने सारे इवेंट्स और इतनी जबरदस्त कहानियां हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वॉर ऑफ करंट पे एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिसन को एज अ विलन देखें, ठीक है। एडिसन एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेसमैन थे। थॉमस एडिसन को पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। निकोला टेस्ला को अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता था। एक बार क्या हुआ था कि निकोला टेस्ला एडिसन के एक सहकर्मी के साथ टहल रहे, तो उन्होंने एक आदमी को देखा। तो निकोला टेस्ला ने पूछा कि एक बात बताइए सर, कि एडिसन सर जो है वो इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे हैं। तो सहकर्मी ने बोला कि वो जो तुमको सामने आदमी दिख रहा है उसका वेट कितना होगा। तो निकोला टेस्ला ने बोला 160-165। उसके बाद यही सवाल एडिसन से पूछा उस आदमी ने जाके, मतलब जो सहकर्मी था। एडिसन ने बताया कि 141 पाउंड्स, एग्जैक्टली उतना ही वेट था उस आदमी का। तब निकोला टेस्ला को समझ में आया कि एडिसन का जो इंस्टिंक्ट है, ये जो एटीट्यूड है, ये बिल्कुल सही, एक एक चीज को बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करना इतना बड़ा इनको बिजनेसमैन बनाता है। निकोला टेस्ला एक जीनियस थे, एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। फिलहाल इस समय तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन जीत निकोला टेस्ला की हुई इस वॉर ऑफ करेंट्स में। हालांकि एडिसन एक बहुत बड़े इन्वेंटर रहे हैं, लेकिन ये दाग तो उन पे रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिसन को कटघरे में खड़ा कर दें। ये सिचुएशन हर एक इंसान के साथ होती है, याद रखिएगा। हर एक इंसान को कभी ना कभी युद्ध लड़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वही ये हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और भैया निकोला टेस्ला तो यहाँ पे बाजीगर साबित हुए, ठीक है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें थॉमस एडिसन की, तो इनकी दो शादियां हुई थी। सबसे पहले एक तो 1871 में हुई थी, 16 साल की मैरी स्टिलवेल से, जिनसे इनके तीन बच्चे थे, तीनों साइंटिस्ट थे, मतलब तीनों इन्वेंटर थे। और उसके बाद फिर जब 29 साल की उम्र में मैरी स्टिलवेल का जब यहाँ पे देहांत होता है, तो उन्होंने दोबारा शादी की, ठीक है ना। दोबारा इन्होंने मीना मिलर से शादी की, और इनसे भी इनके तीन बच्चे थे। और इनसे जो बच्चा हुआ चार्ल्स एडिसन, वही इनकी कंपनी का मालिक बना और गवर्नर भी बना न्यू जर्सी का। इनके बच्चे जो थे वो काफी समृद्ध, काफी इंटेलिजेंट थे, ठीक है, ज्यादातर इन्वेंटर ही थे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये कहानी थी थॉमस अल्वा एडिसन द ग्रेट इन्वेंटर की। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन की। सदी के सबसे बड़े इन्वेंटर रहे हैं ये। 1093 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1093 पेटेंट्स हैं इनके पास। और क्या बताऊं इनके बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो इनको, ये सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट रहे हैं पूरी दुनिया में। भले ही लोगों ने आइंस्टीन का नाम, कहीं कहीं ऐसा हम देखते हैं कि लोगों ने आइंस्टीन का नाम नहीं सुना है, लेकिन एडिसन का नाम उन्होंने जरूर सुना है, क्योंकि एडिसन के जो इन्वेंशन